हे गाइस, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो में मैं वीडियो जानबूझकर छोटा बनाऊंगा और ध्यान से सुनिएगा, सही है। फ़ायदा केवल आपका ही है, केवल आपका ही फ़ायदा है। तो इसमें मैं आपको वो स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो 50% गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। ऐसा नहीं कि भागते स्टॉक्स में, ठीक है, अभी गिरा हुआ है। लेकिन क्यों बता रहा हूँ गिरा हुआ है, तो क्योंकि ये भागने वाला है, अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले बता दूँ। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से 53% से ज़्यादा, और पिछले 5 सालों से ये स्टॉक केवल गिरा ही गिरा हुआ है। पिछले 5 सालों से वो गिरा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। और अभी भी ये 53% गिरा हुआ है ऑल टाइम हाई से लो की बात करते हैं। तो कंपनी का नाम है नटको फार्मा लिमिटेड। 715 रुपीज़ पर मिला है ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, 5 पैसे। 5 पैसे भी याद रखिएगा, मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना तो बोलूँगा, फिर लोग बोलेंगे सर 5 पैसे काम, 5 पैसे का वीडियो बनाया था मैंने, तो देखा ही नहीं ये क्या है सर, ये तो आप लोगों ने ये वो। तो मैं कोई बहाना नहीं चाहता, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सारी चीज़ें नॉलेजबल पेड पोर्टफोलियो में बताई जाती है, तो मैंने सोचा आपको फ्री बता दूँ। देखो फ्री में तो मैंने आपको बहुत बहुत सारे बता दूँ, अगर आप बोलो तो मैं लिस्ट निकाल दूँगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि लोगों को कितना भी दे दो वो फिर बाद में वो भूल जाते हैं ऐसा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंदर की चीज़ बाहर आकर खुले हम बता रहा हूँ, बाकी मर्ज़ी आपकी है। कंपनी बहुत अच्छा है और आपको मोटा प्रॉफिट देने वाला है, सही है, बाकी मर्ज़ी आपकी है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो प्रमोटर्स खुद ही कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं खुद ही। फॉरेन वाले ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेची, 11.91% था, 11.303। तो प्रमोटर्स ने कुछ बेचा नहीं, बस थोड़ा सा। बाकी म्यूचुअल फंड वालों ने देख लीजिए, म्यूचुअल फंड के पास 8.5% था, 9.5% हो गया। म्यूचुअल फंड तक खरीद रहे हैं और कंपनी का जो मालिक है वो भी खरीद रहे हैं, ऐसा है। तो देखिए स्टॉक मार्केट है, रिस्क तो रहेगा, गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, गारंटी नहीं है, याद रखिए स्टॉक मार्केट है, कभी अप कभी डाउन होता रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा एक बार स्टडी खुद कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ ये केवल शेयर कर रहा हूँ ऐसा। बाकी प्रमोटर्स के साथ देख लीजिए 49% हिस्सेदारी है, पब्लिक भी है यहाँ पर, फॉरेन वाले भी हैं और यहाँ पर डोमेस्टिक वाले भी हैं और म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, ठीक है, सभी है यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा सभी लोग काफ़ी अच्छा अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और आजकल के डेट में स्टॉक बहुत ही बुलिश है, देख लीजिए, केवल बुलिश मोड में। ये जितना बेरिश का जो पार्ट है ना, इससे बहुत दूर है स्टॉक, देख लीजिए बेरिश का पार्ट इधर ही है, इधर बुलिश का पार्ट है, तो केवल आपको बुलिश ही देखने को मिल रहा है। जहाँ तक सबकी मर्जी है, जहाँ तक जितने बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, 13 एनालिस्ट ने ऐसे स्टॉक्स पर आप लोगों को जानकारी दे रखा है, जिनमें से केवल 2 का मानना है कि बेचना है, केवल 2 लोगों का मानना है कि बेचना है, सोच लीजिए। बाकी यहाँ पर जितना भी 12 लोग हैं यहाँ पर, सबका मानना है कि आपको खरीदना है, 10-11 लोगों का मानना है, 10-11 लोगों का मानना है कि आपको खरीदना है, ऐसा है करके। जब तक लोग बेचेंगे नहीं तब तक लोग खरीदेंगे कैसे। तो इतना ही मैं आपको बोलूँगा, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, जानकारी इकट्ठा करो और अपने पास रखिए। कंपनी देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक इन PE बाय जोन बताया जा रहा है, मैंने बोला यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सभी लोग आपको बताना चाहता, स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, और ये स्टॉक्स ने भाई 30-40% तक का रिटर्न दे रखा था ऐसा। थोड़ा गिरा हुआ है अभी, तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आपको देखने को मिला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको देखने को मिला, सही है, लो डेट आपको देखने को मिला कंपनी में, कम से कम लो डेट देखने को मिला, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी के पास प्रमोटर के पास 0 प्लेज है देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक बार क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिलायंस से 2 गुना, TCS से 1.5 गुना, और बड़े बड़े कंपनियों को पछाड़ रखा, 40-45% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी हाईएस्ट निकाल लेती है। इतना ज़्यादा तो भाई बहुत कमी कंपनी कर पाती है, ऐसा है। और रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया था मार्च का रिज़ल्ट देखकर आप फिदा हो जाओगे एकदम, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो मैं इतना बोलूँगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर में हमें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, बाकी ध्यान दीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।